यह है 100 डेज इन माइनक्राफ्ट बट एज अ शेप शिफ्टर, और ये कोई नॉर्मल शेप शिफ्टर नहीं है। मैंने अपने माइनक्राफ्ट के अंदर डाले वनीला और कस्टम शेप शिफ्ट्स और ट्राई करा सरवाइव करने का 100 डेज, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। मेरे गोल्स थे 3 बॉस को हराना, द जूटिकेटर, ब्लैकस्टोन गोलेम और द विदर। उनके ड्रॉप के मदद से मैं क्राफ्ट कर पाऊंगा शेप शिफ्टिंग वाला छड़ी, जिसके मदद से मैं अपना मन चाहा मॉब में बदल पाऊंगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, एंड में कुछ ऐसा होता है जो आपने तो क्या मैंने भी नहीं सोचा था। क्या मैं शेप शिफ्टिंग वाला छरी बनाने तक जिंदा रह पाऊंगा? एंड तक देखो, पता चल जाएगा। ये कुछ ऐसे काम करेगा, मैं स्टार्टिंग के 5 दिन रोजाना रैंडमली किसी में भी शेप शिफ्ट कर जाऊंगा, और डे 5 के बाद शेप शिफ्टिंग का टाइम भी बढ़ जाएगा और तगड़े तगड़े मॉब पे आने लगेंगे। तो एंजॉय द वीडियो। इतना बुरा भी नहीं है, मैंने कोई खतरनाक सा ही मामला पानी सोच रखा था, तो मैंने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करा। फटाफट मैंने लकड़ियां कलेक्ट किया और लकड़ियों से मैंने वुडन पिकैक्स और एग्स बनाया। मैंने थोड़े से स्टोन्स कलेक्ट किए और अपने लिए स्टोन का पिकैक्स और एग्स बना लिया। अपने एबिलिटीज को चेक करने के बाद मुझे पता चला कि मैं अनगिनत साग सब्जियां उगा सकता हूं। फिर मैंने ढेर सारे सीड्स कलेक्ट किया और मैंने ये डिसाइड करा कि अपने सफर में निकलने से पहले भरपूर खाना होना चाहिए मेरे पास। अब क्योंकि बारिश हो रहा था और इसका हंगर बार बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो मैं थोड़ा सा बोर हो गया। 7 ब्रेड बनाने के बाद मैंने बोट बनाया, बोट को पानी में उतारा और निकल गया खजाने के तलाश में। थोड़ा दूर जाने के बाद मेरे को एक डेजर्ट टेंपल मिला। अब क्योंकि मैं एक मशरूम बना हुआ था, तो नॉर्मल इंसानों की तरह तो अंदर में नहीं जा सकता था। ये पार्कोर। उन चेस्ट के अंदर सिर्फ कचरा ही भरा पड़ा था, बस थोड़े से गोल्ड, लॉयल्टी 2 का एंचेंटिंग बुक और एक सैडल का अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो घर आने के बाद मैंने कुछ सुअर और बकरियों का बलिदान चढ़ाया, थोड़ा सा फार्मिंग किया और बेड बनाकर सो गया। डे 2 और मैं बदल चुका था एक शार्क में। इसका एबिलिटीज था पानी के अंदर एक्स्ट्रा डैमेज करना। पानी के अंदर मैं नॉर्मल स्पीड से माइनिंग कर सकता था और मेरे पास था घंटा का 20 फ्रीकिंग हार्ट्स। वहां से निकलने के बाद मैं ड्राउन ज़ॉम्बियों से भिड़ा। मुझे तो लग रहा था पुनिच पानी का राजा है, कूट कूट के मारूंगा इन लोगों को, और तभी हूँ। लेकिन उनमें से एक के पास ट्राइडन भी था। मैं बहुत बहादुरी से लड़ा, ट्राइडन वाले ड्राउन ज़ॉम्बी को मारा और एट लास्ट 1.5 आर्ट में जैसे तैसे बचा मैं। और लकीली मुझे उसका ट्राइडन भी मिल चुका था, मैं बहुत ज्यादा खुश था। अब वहां से थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे एक पायरेट का शिप दिखा। मेरा मन तो बहुत था लेकिन मैं गया नहीं, क्योंकि रात होने फोड़ ले। मेरा मन तो बहुत था उस पायरेट शिप के अंदर जाने का, लेकिन क्योंकि अब एक दिन होने वाला था, पता नहीं मैं अगला मॉब कौन सा बनूंगा, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। मैं थोड़ा लैंड का सामने गया और सो गया। डे 3 मैं बन चुका था एक स्नो गोलेम। इसका एबिलिटी था गर्मी में पिघल जाना, पानी में जाते ही डैमेज लेना। ये दोनों कैसे एबिलिटी है? इसके पास है पावरफुल स्नो कैनन और ये पानी को जमा के उसके ऊपर बहुत ही फास्ट चल सकते हैं। तो मैंने अपना शक्तियों का प्रयोग करके कुछ सुअरों को मारा, उनका मीट खा करके मैंने अपना हेल्थ बढ़ाया। वहां से थोड़ा आगे जाने के बाद मेरे को एक टावर मिले, कस्टम मेड टावर है, विलेजर टावर की तरह ये विलेजर टावर है। वहां अंदर से मैंने थोड़ा हेबल चुराया और उनके चेस्ट के अंदर बहुत सारे एप्पल ब्रेड और एक एमरल्ड मिला, और दूसरे चेस्ट के अंदर तो भर भर के एमरल्ड, थोड़े से आयरन, थोड़े से खाने का सामान और इन्फिनिटी वाला एंचेंटिंग बुक, जो कि आगे जाकर के मैं अपने बो में लगाने वाला हूँ। उसके बाद मैंने कंपोस्टर बनाया और इस विलेजर से ट्रेड करना चालू कर दिया। मेरे पास जितने भी वीट थे सारे वीट के बदले मैंने एमरल्ड ले लिया। मेरे पास टोटल 18 एमरल्ड हो गए थे, जो कि आगे जाकर के मेरा बहुत ही काम में आएगा। और अब क्योंकि रात हो चुका था तो मैं जाकर के सो गया, और मैं उठा एक क्रीपर बनके। इसका मतलब मैं फट फट के लोगों का फाड़ सकता था, मैं गन पाउडर खा सकता था, और फाइनली मेरे पास 10 हार्ट्स थे। उसके बाद सिर्फ आप लोगों के लिए हमें गोलेम के पास गया अपने शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए। फट सोचा तो ये था कि मैं उसको फाड़ दूंगा, लेकिन उसने मुझे भगा के मारा और जैसे तैसे मैंने अपना जान बचाया, गोलेम से पंगा नहीं लेता। अब क्योंकि क्रीपर बेस्ट चॉइस था माइनिंग करने के लिए, तो मैंने अपना ब्लास्टिंग एबिलिटी का यूज करते हुए फट फट के मैं एक माइन शाफ्ट के अंदर आया। क्योंकि मैं क्रीपर था तो यहाँ के कुछ कर नहीं रहता, तो मैंने भी इनको करे बिना माइन शाफ्ट को एक्सप्लोर करना चालू कर दिया। अब थोड़े ही टाइम बाद मेरे को डायमंड्स मिले, जो कि डायमंड के पिकैक्स और एग्स बनाने के लिए काफी थे। उसके बाद मेरे को गोल्ड मिला, जिसको माइन करने के बाद मैंने फटाफट एक घर ही बना लिया, क्योंकि इससे मुझे पता चलता रहेगा कि कब रात होने वाला है और कब मैं अगला शेप शिफ्ट करने वाला हूं। लास्टली मैंने ऑब्सिडियन माइन करे अपने एन्चेंटिंग टेबल के लिए और अपने घर ही को देखा, और क्योंकि रात हो रहा था तो मैं फटाफट सो गया। और अगले दिन मैं बना एक कोलांगे टैंक, जो कि मुझे बड़ा फनी लगा। ये एक बंदर की तरह पैरों से लटक सकता था, ये सिर्फ ऊंचे पैरों के ऊपर ही सो सकता है, और के पास 12 हार्ट्स थे। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा है, क्योंकि ये कस्टम मॉब्स है। और अगर आपको चैनल को हेल्प करना है ना, तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है ना, बस आपको उसे दबाना है और इस वीडियो को एक लाइक करना है, मैं खुश हो जाऊंगा। हमने सिर्फ 2 वीडियोस में 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि मैं क्रीपर नहीं था, तो इन लोगों ने मेरे को बहुत भगा भगा के मारा, और ऊपर आने के बाद मुझे पता चला मैं एक स्वैम्प बायोम में आ गया हूं। अपने शक्तियों का उपयोग करके मैं एक बहुत ऊंचे पेड़ के ऊपर चला गया। ये देख
देखने के लिए कि आसपास एक्चुअली है क्या, और लकीली मुझे एक वुडलैंड मेंशन दिखा। ये कोई नॉर्मल वुडलैंड मेंशन नहीं है, कस्टम मेड वुडलैंड मेंशन है। तो बहुत मन था मुझे अंदर जाने का, तो भगवान का नाम लेकर के मैं चला गया। अंदर जाते ही मैंने देखा एक इवोकर को, मन तो कर रहा था वहीं में निकल जाओ, लेकिन मैंने सोचा उसको बिना परेशान करे दाएं बाएं थोड़ा देख करके आता हूं। बाएं जाते ही मेरे पे एक वेंडिकेटर ने हमला कर दिया। मुझे बहुत ज्यादा केयरफुल होने का जरूरत था, क्योंकि मेरे पास कोई आर्मर नहीं था, तो इसका एक दो फटका में मैं खत्म हो जाने वाला था, तो बहुत केयरफुली मैंने इसे मारा। उसके बाद मैंने कुछ स्केलेटन्स और क्रीपर को मारा, और मुझे एक बहुत ही बड़ा सा स्टेयरकेस मिला। मैं धीरे धीरे नीचे की तरफ गया और मुझे दिखा एक वोकर। उसको देखते मैं एक्चुअली में अपना दुम उठा के भागा। ये वोकर पहले तो मुझे जान से मार देगा, फिर शायद कभी पूछ ले कि क्या काम था। अब तो मैं बस वेट ही कर सकता था कोई तगड़ा सा शिफ्ट शिफ्ट होने का। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम में मैं अपना घर ही बना लेता, और ये जगह मुझे परफेक्ट लग रहा था घर बनाने के लिए। तो मैंने कुछ लकड़ियां कलेक्ट किया और घर बनाना चालू कर दिया। और हाँ, मैं बता दूं मैं घर बनाने में एकदम घटिया हूँ, बहुत घटिया घर बना। तो कमेंट पर नूब नूब कोई नहीं बोलेगा मुझे। अब घर का फ्रंट कंप्लीट होने के बाद मुझे घर के इंटीरियर का एक मॉडर्न लुक देना था, तो मैंने डिसाइड करा कोबलस्टोन की जगह मैं टेराकोटा का यूज करूंगा। तो फटाफट मैंने क्ले कलेक्ट करा और घर का इंटीरियर में लग गया। ये इतना बुरा भी नहीं लग रहा। आप लोग इसको 10 में से कितना रेटिंग दोगे, फटाफट दे दो, दे देना, मतलब पढ़ता हूँ सभी का मैं कमेंट। उसके बाद मैं सो गया। अगले दिन मैं बना 10 समन। मैं ऐसा ही पावरफुल कॉम्पैक्ट शिफ्ट शिफ्टर का वेट कर रहा था, अब जाकर के मैं मैंशन तबाही मचा सकता हूँ। इसका एबिलिटी था ये बहुत पावरफुल एरोस फायर कर सकता था, इससे सारे के सारे हॉस्टाइल मोब फ्रेंडली हो जाएंगे। और पता नहीं कोई सिर्फ वेजिटेरियन ही खाएगा, शायद मरने के पहले ये वेज इंसान था कोई। तो क्योंकि इतना ज्यादा लंबा है, तो मुझे अपने घर पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट बनाना पड़ा। मेंशन जाने के रास्ते में मेरे को एक विलेजर मार्केट मिला, ये भी एक कस्टम मेड है। वहां मैंने बहुत मजे किए, आयरन गोलेम का साथ सेल्फी भी खींचा। वहां से मुझे बहुत तगड़ा लूट मिला। पहले चेस्ट से मुझे भरपूर एप्पल और कुछ आयरन्स मिले, और दूसरे चेस्ट से मुझे प्रोटेक्शन 2 का एन्चेंटिंग टेबल मिला। मैंने सोचा मेंशन में जाने से पहले जो एन्चेंटिंग बुक्स मिला नहीं, ये सब को मैं अपने इक्विपमेंट्स में लगा लेता हूँ। घर आने के बाद मैंने एन्चेंटिंग टेबल बनाया, अपने पूरे आर्मर पे मैंने एन्चेंटिंग कर लिया, अपने ट्राइडेंट पे मैंने लॉयल्टी का एन्चेंटिंग लगा लिया, अपने बूम में मैंने इन्फिनिटी लगाया, और अब जाकर के मैं रेडी हूँ उस मेंशन पे तबाही मचाने के लिए। मेंशन पहुंचने के बाद अपने शक्तियों का पता लगाने के लिए मैंने 2 गायों का बलिदान चढ़ा दिया, और एक्चुअली मैं बहुत पावरफुल है एक ही शॉट में मर गया सभी। अब मेंशन के अंदर जाने का, क्योंकि सारे हॉस्टल में फ्रेंडली हो गए थे, तो मैंने उनको बिल्कुल परेशान नहीं करा। मैं सीधे उस बड़े से स्टेयरकेस के अंदर चला गया। आखिर पता तो चले कि वहां पे क्या छुपा करके रखा है। और उस इवोकर को मैंने खोपचे पे ले जाकर के उसके आसपास घेरा बना दिया, और उस मासूम इवोकर को पता भी नहीं चला कि मैंने उसके साथ चाल चला था। बड़े ही प्यार से मैंने उसे मारा और उसका टोटम लेकर के मैं नीचे चला गया। नीचे जाते ही मुझे एक और इवोकर मिला, पता नहीं इवोकर कहां ही भाग रहा था। उसका पीछा करते करते वो मुझे एक रूम पे लेकर के आ गया, और ये क्या देखता हूं मैं, हवे पर एक ढाई वोकर मेडिटेशन कर रहा है। मैं उसके सामने गया और मैंने वही करा जो शायद आप भी करते, जोर का फटका मारा, और मेरे ऊपर एक बॉस बार आ चुका था। इसका नाम था बुढ़ाई वोकर ही ठीक है। इस बुढ़ाई वोकर को मारना इतना ज्यादा आसान नहीं है। मैंने अपने एक्सेस को बहुत डैमेज करा, लेकिन थोड़े टाइम बाद इसने जमीन से फैंग्स निकालना चालू कर दिया, वैक्सेस को समन करना चालू कर दिया, और देखते ही देखते मेरा हेल्थ 2 ही सेकंड में फराक से खत्म हो गया। फटाफट भागा अपना हेल्थ फुल करने के लिए। मैंने एक गोल्डन कैरेट खाया और कवर लेने के लिए चला गया। मैं अपना हेल्थ रिकवर करके जब वापस आया, तो मैं ये क्या देखता हूँ, इसने एक रेवेजर को समन कर रखा था। इसका रास्ता रोकने के लिए फटाफट मैंने सीढ़ियों में कोबलस्टोन से इसका रास्ता ब्लॉक कर दिया, और कोने पर जाकर के आराम से अपने ट्राइडेंट से ठाए 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 करके इसके रेवेजर को मारा, और वो वापस से टेलीपोर्ट हो गया, अपने वैक्सेस से मेरे को डैमेज करने लगा। जैसे तैसे मैंने करके उसके वैक्सेस को मारा और वापस से आ गया कवर लेने के लिए, अपना हेल्थ फुल करने के लिए। और मैं अपना हेल्थ फुल करके आने के बाद मैं क्या देखता हूँ, इसने एक स्टोन गोलेम को समन कर रखा था, जो दूर से मेरे को तीर से मार रहा था। तो मैं कवर लेकर अपना एबिलिटी का यूज करा, अपने इन्फिनिटी तीर से मैंने उसके स्टोन गोलेम को मार गिराया, और यही चांस था उस बुढ़े इवोकर को मारने का। मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया और फाइनली उस इवोकर को मैंने मार दिया। लेकिन यहीं पे खेल नहीं खत्म था। उसके मरने के बाद उसने बहुत सारे वैक्सेस को समान कर दिया। वो तो अच्छा हुआ बस टोटल वो फंडाइंग था ना, तो यहाँ अगर मैं मरता तो अपने सामान को मैं कभी रिकवर नहीं कर पाता। फाइनली उन वैक्सेस को मारने के बाद मैं अब नोटिस कर रहा हूँ, ये जो देख रहा हूँ ना एन्चेंटेड टोटम, ये शेप शिफ्टिंग स्टाफ बनाने का पहला मटेरियल था। अब जितने टाइम में मैं फाइट कर रहा था ना, एक उल्लू कब से वू वू कर रहा था, तो साउंड को फॉलो करते हुए मैंने इस उल्लू को आजाद करा। शायद इस बुढ़े इवोकर ने इसको
कब्जा करके रखा था, तो मुझे इसे टेम करना था, तो मैंने सबसे पहले तो इसे ब्रेड खिलाया, लेकिन इसने अपना मुंडी घुमा दिया। फिर मैंने जब मैंने इसे मीट खिलाया तो टेम हो गया। फिर उस उल्लू को मैं अपना घर ले आया, और इस उल्लू का जो नामकरण है ना आप ही को करना है। सभी लोग नीचे इस उल्लू का एक प्यारा सा सही सा नाम रख दो, जिसका बेस्ट लगेगा ना मैं उसी का नाम रखने वाला हूँ। वैसे ये छोटा सा हिंट है इस वीडियो के पार्ट टू का। उसके बाद मैं सो गया, और अगले दिन मैं उठा रूट स्लिंगर बन के। ये बिल्कुल रेड फंगस जैसा ही है। इसका भी एबिलिटी है अपने हंगर से अनगिनत सब्जियां उगा सकता था। सनलाइट से इसको खाना मिलेगा और ये सिर्फ वेजी खाएगा। अब आप लोगों को तो पता ही है कि ये मॉब कितना ज्यादा ऑसम है फार्मिंग करने के लिए। रेड फंगस के साथ मुझे सिर्फ एक ही दिन मिला था, लेकिन इसके साथ मेरे को 5 दिन मिलने वाले थे। तो उसके बाद मैं फटाफट विलेजर मार्केट चला गया ये पता करने के लिए कि अगर मैं कैरेट उगाऊंगा तब ज्यादा फायदा होगा या पोटेटो, क्योंकि अब मुझे अनगिनत सब्जियां उगाने थे। और इन विलेजर से मुझे बहुत सारा एमरल्ड और एन्चेंटिंग बुक्स का ट्रेडिंग करना था। अब नेदर भी तो जाना है, और मुझे पता चला कि कैरेट से ज्यादा फायदा होने वाला था। उसके बाद आप लोग को इम्प्रेस करने के लिए विलेजर टावर से मैं वाटर बकेट ट्रिक का यूज करके नीचे आया। घर आकर मैंने ऑलमोस्ट 4 दिन कैरेट्स और पोटेटो उगाए और उन विलेजर से दबा के ट्रेडिंग करा। अब मेरे पास 45 एमरल्ड्स हो गए थे। उसके बाद मैंने कुछ आलू को पकाया, आलू खा के चालू होके मैं सो गया। और अगले दिन मैं बना एक पिगलिन। इसका एबिलिटी था ये गोल्डन आर्मर को ज्यादा तगड़ा बना देगा, क्रॉसबो से मैं ज्यादा डैमेज कर पाऊंगा, और ओवरवर्ल्ड में मैं बहुत ज्यादा धीरे चलूंगा। अब मैंने डिसाइड करा नीदर जाने के लिए इससे बेस्ट टाइम मुझे नहीं मिलने वाला। नीदर जाने का एक और कारण है जो मैं आपको बताना भूल गया। नीदर जाकर के वहां के बेस्टियन के पिगलिन से ही अगर मैं ट्रेड करूंगा ना, तो लोग मुझे कुछ शार्ट टाइप का देगा, कुछ ब्लैक शार्ट टाइप का होता है, उसी से मैं अपना तीसरा बॉस ब्लैक गोलेम को समन कर पाऊंगा। तो जाने के पहले मैंने अपने लिए गोल्ड के आर्मर बनाए, फटाफट नीदर पोर्टल बनाया और निकल लिया। भगवान से मैं यही प्रे कर रहा था कि एक बहुत ही मस्त सा जगह में मेरे को स्पॉन करे, लेकिन आप लोगों को तो मेरा किस्मत पता ही है, पता नहीं कौन सा खोपचे में मेरे को इन लोगों ने स्पॉन कर दिया था। मैंने कॉबलस्टोन से अपने लिए एक ब्रिज बनाया, ऊपर गया और आगे एक्सप्लोर करना चालू कर दिया। एक्सप्लोर करते करते मेरे को ये मिला। इसका नाम है नाइटमेयर हॉर्स। एक्चुअली में ये टेमेबल हॉर्स है, तो मैंने इसको टेम करने का ट्राई करा और लकीली ये टेम हो गया। और स्टार्टिंग में मेरे को जो सैडल मिला था, सैडल बना करके मैंने इसको राइड करा, बड़ा सही है नहीं। अब मुझे इसको आगे लेकर के तो जाने का बहुत ज्यादा मन था, लेकिन मेरे को पता आगे लेकर के जाऊंगा तो फोकट का मरवा दूंगा मैं इसे। तो मैंने कोबलस्टोन से इसके लिए एक छोटा सा घर बनाया और मैंने इसको यहीं रख दिया, आने के टाइम में इसको लेकर के घर चला जाऊंगा। थोड़ा आगे जाने के बाद मेरे को बेस्टियन मिला, फटाफट मैंने सीढ़ी बना करके ऊपर चढ़ गया। वैसे मैं नीचे से भी जा सकता था, मैं तो पिक लेनी हुई, लोग मुझे थोड़े ना मारने वाले, लेकिन क्या पता रास्ते में मैं कोई अलग ही मॉब पे शिफ्ट कर जाता, यू नो सेफ्टी फर्स्ट। वहां के चेस्ट में मेरे को इतना कोई ज्यादा खास नहीं मिला, बस मेरे को सोने के गाजर ही मिले। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं जिस काम के लिए आया था वो काम करना मैंने चालू कर दिया। वहां पर मैंने एक छोटा सा गड्ढा बनाया, और देखो जैसे ही मैं एक गोल्ड का टुकड़ा उस गड्ढे में क्या फेंक देता हूँ, सब लोग टूट पड़ते हैं वहां पर। गोल्ड डिगर जो वर्ड है ना, इन्हीं से आया होगा शायद। उसके बाद जितने भी गोल्ड थे सारा गोल्ड मैंने उनके मुंह पे दे मारा, और थोड़ी टाइम बाद भगवान को प्रे करते करते मैं उस गड्ढे में कूद पड़ा। मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस मुझे वो 4 ब्लैक शार्ड्स चाहिए था, और लकीली मेरे को वो ब्लैक स्टोन शार्ड्स भी मिल गए थे। वहां से मेरे को एक नेदर इंगट और थोड़े से एंडराई मिले था, बाकी सब कचरा था। उसके बाद मैंने डिसाइड करा नेदर को थोड़ा और एक्सप्लोर करा जाए। थोड़ा आगे जाने के बाद मैंने एक नेदर फोर्ट्रेस मिला, और चलते चलते मैं ट्रांसफर हो गया एक पिगलिन बीस्ट में। इसका एबिलिटी और पिगलिन का एबिलिटी सारे के सारे सेम थे, बस इसको फायर डैमेज नहीं होगा, और इसके पास 16 हार्ट्स है। देख रहे हो इसका आप बॉडी देख रहे हो कितना मसल है इसके पास। अब मैंने डिसाइड करा क्योंकि आग मेरे को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो बहुत सारे ब्लेज रॉड को कलेक्ट कर लिया जाए। तो बेरहमी से मैंने इसका एबिलिटी का फायदा उठा करके बहुत सारे ब्लेज को मार करके उसका ब्लेज रॉड लिया। थोड़ा आगे जाने के बाद मेरे को अजीब सा ही विदर स्केलेटन देखा, जो कि पता नहीं मेरे को देख के क्यों आगे भाग रहा था। मैंने उसका पीछा करते करते क्रिम्सन फॉरेस्ट तक आ गया। उसका आसपास मैंने ब्लैक स्टोन से घेरा बना दिया, दूर से ट्राइडेंट से दे धनाधन मारा, और उसने छोटा छोटा विदर स्केलेटन समन करना चालू कर दिया। बहुत अच्छा किया मैंने उसको घेरा बना करके बंद कर देने, तो एक्चुअली मेरे को प्रॉब्लम दे सकता था। उसके बाद मैंने अपना ट्राइडेंट से उसे मार दिया, और उसने एक बुक ड्रॉप किया जिसमें रिप्टाइड 3 शार्पनेस थे पावर 4 था। अब मैं इसको अपने ट्राइडेंट पे तो नहीं लगा सकता, तरीके से यूजलेस ही है मेरे लिए। उसके बाद वापस ये शेप शिफ्ट हुआ और मैं बन गया एक स्ट्राइड, जो कि बिल्कुल ही परफेक्ट था, क्योंकि अब फायर मेरे को कोई डैमेज कर ही नहीं सकता। मैं लावा पे चल सकता था, और लावा पे अगर मैं चलूंगा तो मैं बहुत ही ज्यादा फास्ट चल सकता था, जो कि नीदर को एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। इस स्ट्राइडर की वजह से लावा पे चलने का मेरा जो सपना था ना, वो मैंने पूरा किया। पूरा आगे जाने के बाद मेरे को एक पोर्टल मिला, और वहां के चेस्ट से मेरे को थोड़ा सा गोल्डन एप्पल, थोड़ा सा ब्रेड और शार्पनेस 4 का एन्चेंटमेंट बुक मिला। और उसके बाद मैंने वहां का सारा का सारा ऑब्स्टेन को माइन कर लिया, क्योंकि मैं अपने घर का रास्ता भूल चुका था। फिर मैंने एक नीदर पोर्टल बनाया, अपने नाइटमेयर हॉर्स को उस पोर्टल से पुश करके बाहर फेंका, फिर मैं भी ओवरवर्ल्ड में आ गया। ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मेरे को एक बहुत ही बड़ा झटका मिला, क्योंकि मैं शेप शिफ्ट कर चुका था एक ब्लब फिश में। इसका एबिलिटी था पानी के अंदर सांस ले सकता है, पानी के अंदर बहुत ही ज्यादा फास्ट स्विम कर सकता है। इसको कितने भी ऊपर से गिरा दो, हमेशा
अच्छा बाउंस बैक कर जाएगा, मरेगा नहीं कभी भी, और इसका सिर्फ एक ही हार्ट है। वो तो अच्छा है मेरे सामने एक स्वम बायम था, नहीं तो बहुत ही भयंकर मौत मरता मैं। पानी के अंदर गया, अपने ट्राइडेंट से मैंने ज़ॉम्बी को मारा, फटाफट मैंने उठ कलेक्ट किया, क्राफ्टिंग टेबल बनाया, मेरे पास जो आयरन थे उस आयरन से मैंने एक आयरन बकेट बनाया। आप लोगों को लग रहा होगा क्या कर रहा है ये, अब तो ये एक मछली बन गई है, बाहर कैसे जाएगा। मैं अपने नाइटमेयर हॉर्स पर बैठा अपने घर के तरफ, जब जब मेरे को ऑक्सीजन चाहिए था ना, उस वाटर बकेट से मैंने पानी नीचे गिरा और ऐसे ऐसे सांस ले लेके मैं घर गया। देखो घर आकर के सबसे पहले मैंने अपने नाइटमेयर हॉर्स को अपने घर के अंदर लिया, और इसका भी नाम आप ही लोग को बताना नीचे कमेंट में, जिसका बेस्ट लगेगा ना उसी का नाम रखूंगा मैं। फिर मैं अपने घर को पूरा पानी पानी कर देता कि मैं सांस ले पाऊं। अपने स्वॉर्ड में मैंने शार्पनेस 4 लगाया। उसके बाद मैंने डिसाइड करा क्योंकि मैं एक मछली बन ही चुका हूं, तो एक अंडर वाटर एडवेंचर पर चलते हैं। याद है एपिसोड के स्टार्टिंग में मेरे को एक पायरेट शिप मिला था, हां, तो मैंने डिसाइड करा कि आज तो उसी को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि वो पायरेट शिप बहुत ज्यादा दूर था। तो जाते जाते रास्ते में मैं वापस शेप शिफ्ट करा और मैं बन गया एक हार्प शील्ड। इसका एबिलिटी सारे एक्वाटिक एनिमल्स जैसा ही था, बस मेरे पास थोड़े एक्स्ट्रा हार्ट्स थे, और अगर इसको डैमेज पड़ेगा तो बहुत ही फनी आवाज निकालता है ये। तो अब क्योंकि मैं पायरेट शिप के अंदर डायरेक्ट तो नहीं घुस सकता था, तो शिप के नीचे के सारे के सारे लकड़ियां ही काट दिया मैंने, सारे के सारे मॉब्स को धीरे धीरे मारा, इन पायरेट्स को भी मारा। फाइनली आखिरी पायरेट को मारने के बाद मैंने थोड़ा सा और डिगिंग करा, और लकीली मैं उनके ट्रेजर चेस्ट के अंदर आ गया। वहां तो दबा के लूट था, वहां से मेरे को एक ट्राइडेंट मिला, बहुत सारे एमरल्ड के ब्लॉक और डायमंड के ब्लॉक मिले, और पता नहीं मेरा पुराना ट्राइडेंट कहां घूम गया, मिल ही नहीं रहा था, कहां फेंक दिया मैंने। शिप के अंदर वाले सेक्शन में जाने के बाद मैंने किया कुछ ऐसा कि मैंने पूरा शिप पे पानी फैलाया, पानी की वजह से मॉब्स मेरे सामने आ नहीं पा रहे थे, तो मैंने बड़े प्यार से मारा। और थोड़ा अंदर जाने के बाद मेरे को एक और ट्रेजर रूम मिला, जहाँ से मुझे बहुत सारे डायमंड, बहुत सारे गोल्ड और बहुत सारे एमरल्ड मिले। वहां से निकलने के बाद मैं सीधे अपने घर के तरफ आ गया, वही वाटर बकेट टिक कर करके, और घर आते आते मैं रास्ते में बन गया एक ज़ॉम्बी विलेजर। इसका एबिलिटी था मैं दिन में अगर निकला तो जल जाऊंगा, मैं किसी भी विलेजर को ज़ॉम्बी विलेजर में बदल सकता हूं, और मेरे 10 हार्ट्स। अब ये मॉब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, मैं क्यों बोल रहा हूं आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। घर आने के बाद सबसे पहले मैंने अपना ट्राइडेंट को फोटो फ्रेम पर लगा दिया, पता नहीं अगले बार कहां घुमा दूंगा मैं। अपने लिए डायमंड का बूट्स, डायमंड का हेलमेट और डायमंड का छाती प्लेट बनाया, और सारे के सारे एमरल्ड, डायमंड और गोल्ड के ब्लॉक्स को मैंने लिक्विफाइड कर दिया। तो क्योंकि मैं किसी भी विलेजर को ज़ॉम्बी विलेजर बना सकता हूं, तो सबसे पहले तो मैं उनको ज़ॉम्बी विलेजर बनाऊंगा, फिर मैं ही उनको ठीक करूंगा, और उनको लगेगा मैंने उनका फायदा किया है, तो वो लोग मुझे बहुत ही सस्ते में सामान दे देंगे, बड़े भोले होते हैं विलेज। तो फटाफट मैंने स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस बनाया और निकल पड़ा अपने कारनामों को अंजाम देने के लिए। वहां जाने के बाद मैंने 3 विलेजर को अपने चंगुल में फंसाया, और बता रहे बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ, ये नमूने लोग फंसी नहीं रहते मेरे जाल में। फिर मैंने ही उनको इन्फेक्ट करके मैंने ही उन्हें ठीक किया, और अगले दिन वापस ये शेप शिफ्ट करा, और मैं बन गया था एक ब्लेज। इसका एबिलिटी था ये उड़ सकता है, ये अपने मुंह से आग का गोला फेंक सकता है, और आग से इसको कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद मैं उन भोले विलेजर्स के पास गया और ट्रेडिंग चालू कर दिया, और आप लोगों को तो पता ही है जो हमें चाहिए होता है ये तो हमें देते हैं नहीं। घंटों तक ट्रेडिंग करने को फाइनली मेरे को चैनलिंग मिला, दूसरे से मेरे को इंपेलिंग मिला, थोड़े और ट्रेडिंग के बाद मेरे को मेंडिंग भी मिल गया। घर आकर मैंने अपने ट्राइडेंट पर लॉयल्टी, चैनलिंग और मेंडिंग तीनों लगा दिया, और इसका नाम रख दिया मैंने त्रिशूल, और मेरा जो दूसरा ट्राइडेंट था उसमें रिप्टाइड लगा दिया, और इसका नाम मैंने रखा उड़ने वाला त्रिशूल। अब क्योंकि मैं उड़ सकता था और मैं फायर से इम्यून था, तो टाइम आ चुका था नीदर जाकर के विदर स्केलेटन का स्कल लाने का। तो नीदर जाने के लिए मैंने फटाफट अपने लिए एन्चेंटिंग रूम बनाया, अपने सारे के सारे आर्मर्स को एन्चेंट करने के लिए, और अपने आर्मर को पूरा एन्चेंट कर दिया। और अब टाइम आ चुका है नीदर जाकर के विदर स्कल को लाने का, लेकिन जाने से पहले ज़ॉम्बी पे अपना शक्तियों का उपयोग तो किया जाए। तो विदर में जाने के बाद लकीली दूसरा ही विदर स्केलेटन को मारने के बाद मेरे को उसका स्कल मिल गया, और आखिरी दो को कलेक्ट करने मेरे को थोड़ा टाइम लग गया। तो अब टाइम आ चुका था विदर से फाइट करने का, क्योंकि विदर को मारने का दो जो सामान छोड़ेगा उसी से बनने वाला था मेरा शेप शिफ्टिंग वांड। उसके बाद मैं अपने घर से बहुत दूर चला गया और इस तालाब के बगल में सोल सैंड प्लेस करना चालू कर दिया। ये जो तालाब है ना, ये मेरा बहुत मदद करने वाला है विदर को हराने में। मैंने अभी विदर को समन नहीं करा क्योंकि अभी रात हो रहा था, तो मैंने सुबह होने का वेट करा, क्या पता सुबह को मैं कोई भयंकर सा ही मॉब में शेप शिफ्ट कर जाऊं, और ऐसा ही होता है, अगले दिन मैं शेप शिफ्ट कर जाता हूँ एजुटी के तमे। वाह, इस बार सही बोला मैंने। इसका एबिलिटी था ये जमीन से फैंग निकाल सकता था, फाइट करते टाइम रैंडमली कोई सा भी पोशन के इफेक्ट इसके ऊपर लग जाएगा और सारे पिलेजर्स मेरे दोस्त बन जाएंगे। अब विदर को समन करते हैं क्योंकि बारिश भी आ रहा था, मैं अब अपना असली जलवा दिखा पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने उड़ने वाले त्रिशूल पे रेप्टाइड लगा रखा था, तो बार बार मैं अपने उड़ने वाले त्रिशूल से सर से ऊपर जा रहा था और फर से अपने तलवार से विदर को नीचे मार रहा था। इसी प्रोसेस से मैंने विदर को बहुत टाइम तक मारा। उसके बाद स्काई अचानक काला हो गया और एक थंडरस्टॉर्म आ गया। इसका मतलब मैं अपने मेन त्रिशूल से बिजलियां गिरा सकता हूँ। तो मैं अपने मेन त्रिशूल से विदर को मार मार के उसके सर पे बिजलियां गिराता गया, लेकिन विदर भी कहाँ कम था, उसने भी मेरा हेल्थ बहुत ज्यादा जल्दी ड्रेन कर दिया। तो मैं थोड़ा दूर चला गया, दूर जाकर मैं अपना हेल्थ फुल किया, दूर से ही विदर के ऊपर बिजलियां गिरा गिरा के उसका हेल्थ बिल्कुल कम कर दिया। अब यही टाइम था विदर से आमने सामने का फाइट लेने का। मैं विदर के सामने गया, मैंने अपना एबिलिटी का यूज करा और अपने तलवार से मार मार कर फाइनली विदर को मार गिराया।
फिर मैंने वो विदर स्टार और वो दूसरा मटेरियल जिससे शेप शिफ्टिंग स्टाफ बनेगा उठाया और अपने घर आ गया। और अब टाइम आ चुका था ब्लैक स्टोन गोलेम को समन करके आखिरी मटेरियल को हासिल करने का। फिर मैंने निदर से जो ब्लैक स्टोन कलेक्ट किए थे वो लिया और एक विलेज में आ गया, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं फाइट लेता ना तो ये जो आयरन गोलेम है ना जो मेरे पीछे पीछे भाग रहा है, क्योंकि देखा जाए तो मैं एक पिलेजर ही हूँ तो आयरन गोलेम तो मेरे पीछे आ गई। तो अगर मैं यहाँ पे ब्लैक स्टोन गोलेम को समन करूँ ना तो आयरन गोलेम और उसके बीच एक दमासान युद्ध होगा जो कि देखने में बड़ा मजा आता है। लेकिन अब पता नहीं क्यों यहाँ पे ब्लैक स्टोन गोलेम समन ही नहीं हो रहा था। फिर मेरे को पता चला कि ब्लैक स्टोन गोलेम को हम लोग सिर्फ निदर में ही समन कर सकते हैं। फिर मैं निदर में गया और मैंने वापस से शेप शिफ्ट करा और इस बार मैं बन चुका था वार्डन, जो कि मेरे लिए बहुत ही गुड न्यूज था क्योंकि इसके पास गजब का स्ट्रेंथ था। ये बहुत दूर से ही किसी को भी मार सकता था, ये सिर्फ मीट ही खा सकता था और जब इसका हंगर लेवल डाउन जाता था तो ये बेचारा अंधा और बहुत ज्यादा स्लो हो जाता था। तो बिना किसी देरी का मैंने ब्लैक स्टोन गोलेम का प्लेटफॉर्म को बनाया, चारों के चारों ब्लैक स्टोन शार्ट्स को प्लेस कर दिया और ब्लैक स्टोन गोलेम को समन कर दिया। डर तो बड़ा लग रहा था लेकिन क्योंकि मेरे पास वार्डन था तो थोड़ा सा सेफ्टी वाला फील भी आ रहा था। फिर मैंने ब्लैक स्टोन गोलेम का जोर का फटका मारा और वो जाग गया। मैंने उसको अपने ट्राइडेंट से मारने का ट्राई किया और मुझे पता चला कि इसके ऊपर ट्राइडेंट तो काम ही नहीं करेगा। अब क्योंकि मेरे स्वॉर्ड पे शार्पनेस 5 लगा हुआ था तो मैंने इसी से उसको मारना चालू कर दिया। ये ब्लैक स्टोन गोलेम मेरे को बहुत दूर दूर पटक पटक के फेंक रहा था। फिर मैंने इसे गड्ढे पे ट्रैप करके दे दना दन मारा और जब इसका हेल्थ आधा हो गया, पता नहीं क्या बबलैट हो गया, ये इसका कलर चेंज होकर के नीला हो गया, ये पागल सा हो गया और मेरे को ये और ज्यादा दूर दूर से पटकने लगा था। मेरे बॉडी पर आग भी लग गया था, जैसे तैसे करके जान बचा बचा कर मैं कोने कोने से भागा। अगर मैं ऐसे नीचे गिरता ना मेरा आत्मा भी ढूंढ करके नहीं मिलता और सारे सामान तो जाते वो अलग। फिर उससे बचते बुचाते मैं थोड़े कोने पे आया। सबसे पहले मैंने अपना हंगर फुल किया, मैं नहीं चाहता था ये अंधा बहरा हो जाए भूख के वजह से। पिगलिन मेरे को क्यों परेशान कर रहा था, इस पिगलिन को मैंने अपना ट्राइडेंट से खत्म किया। अब क्योंकि वार्डन का रीच बहुत ज्यादा था तो मैं बहुत ध्यान से दूर दूर से ब्लैक स्टोन गोलेम को मारने का कोशिश तो कर रहा था लेकिन वो मेरे को मार मार के बार बार इसी खाई के सामने फेंक दे रहा था। थोड़ा सा इधर उधर होता तो मैं गया था, वीडियो इधर ही खत्म। और फाइनली मैंने कूद कूद के इस ब्लैक स्टोन गोलेम को मार गिराया। मानना पड़ेगा वार्डन को, अगर कोई और मॉब होता ना शायद ही मैं इसे जीत पाता। ब्लैक स्टोन गोलेम के मरने के बाद इसका छोटा छोटा दो चमचा प्रकट हो गया तो मैंने इसे भी कूद कूद के मारा। और ये आयरन गोलेम को क्या प्रॉब्लम है, ये भी मेरे को पटक पटक के मार रहा है तो मैंने उसे भी मार दिया। और फाइनली मैंने इस लेजेंडरी शेप शिफ्टिंग स्टाफ को बनाया। पता नहीं ये पिगलिंग्स के गैंग को क्या हो गया, मेरे पीछे ही पड़ गया। तो फटाफट मैंने अपने शेप शिफ्टिंग स्टाफ का यूज किया और मेरे सामने ड्रैगन दिख रहा था तो मैं ड्रैगन में बदल गया। इस ड्रैगन के ड्रैगन ब्रेथ के अटैक से मैंने सारे पिगलिनों को बड़े मजे से मारा। और अब क्योंकि मैं निदर के अंदर आ ही गया था तो मैंने सोचा क्यों ना एंशिएंट डेब्रिस को भी लेकर ही चलते हैं। तो मैं क्रीपर पे बदल गया और इसके ब्लास्टिंग एबिलिटीज की मदद से निकल गया एंशिएंट डेब्रिस को ढूंढने के लिए। थोड़े टाइम बाद मेरे को कुछ एंशिएंट डेब्रिस भी मिले। फिर अपने शेप शिफ्टिंग के लिस्ट को देखते देखते मेरे को एक घोस्ट टाइप का कुछ तो मॉब दिखा तो मैंने उस पर क्लिक करा और मैं ओवरवर्ल्ड के अंदर आ गया। फिर मुझे पता चला इसका एबिलिटी है मैं निदर से ओवरवर्ल्ड में ट्रैवल कर सकता हूँ बिना निदर पोर्टल के। फिर ऊपर माइनिंग करते करते मैं एक डेजर्ट बायोम के अंदर आ गया। थोड़ा आगे जाने के बाद मेरे को एक डेजर्ट पिरामिड मिला तो सोचा चल उसको देख करके आता हूँ। उसके ऊपर चार गोल्ड के ब्लॉक्स थे, उसको मैंने निकाला और उस पिरामिड के अंदर चला गया। वहां मुझे कुछ मजेदार सा चीज दिखी, यहाँ पर लिखा हुआ था डू नॉट प्रेस, लेकिन आपको तो पता ही है कि अगर ऐसा कुछ लिखा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं। मैंने प्रेस कर दिया और एक बहुत जोर का धमाका हुआ तो अच्छा हुआ मैं उड़ सकता था तो बाल बाल बचा, मैंने तो मर जाता तो भगवान जाने क्या होता। और अब टाइम आ चुका था एंड जा करके एंडर ड्रैगन को हराने का। और पहले ही बता देता हूँ वहां जाकर के कुछ ऐसा होता है ना जो कि मैं क्या आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। नेदर जाने के पहले मैंने अपने स्वॉर्ड पे फायर स्पेकर नॉकबैक को लगा लिया और उसे नेदरराइट का बना दिया और अपने चेस्ट प्लेट को भी नेदरराइट का बना दिया। अब जाकर के मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड था। मैंने एंडर पर्ल की मदद से स्ट्रांग होल्ड का रास्ता पता लगाना चालू कर दिया। थोड़ा टाइम बाद मैं घूमते घूमते जंगल बायोम में आ गया और उसके बाद जब मैंने एंडर पर्ल फेंका तो पीछे की तरफ चला गया। इसका मतलब स्ट्रांग होल्ड यहीं कहीं 400-500 ब्लॉक्स के अंदर होगा। तो मैंने क्रीपर के मदद से नीचे डक करना चालू कर दिया और स्ट्रांग होल्ड के अंदर आ गया। तो क्योंकि मैं क्रीपर था तो किसी भी मॉब ने मेरे को परेशान नहीं किया, मैंने भी उन्हें परेशान करे बिना एंड पोर्टल के सामने आ गया। और जब मैं एंडर पर्ल को लगा रहा था ना एक सुरीला सा धुन बज रहा था, आप लोग भी सुनो एक बार। तो गाइस 3, 2, 1 लेट्स गो। एंड डायमेंशन में आने के बाद मेरे को एक बहुत ही बड़ा झटका मिला। जब मैं एंडर ड्रैगन के पास गया तो वहां पर एक नहीं लेकिन दो दो बॉस बार थे। वहां पर मुझे एक द आई नाम का भी बॉस मिला। थोड़ा ढूंढने के बाद मेरे को बॉस मिल गया जो कि एक बड़ा सा एंडर पल जैसा दिख रहा था। मैंने अपने ट्राइडेंट से उसे 2-3 बार मारा लेकिन वो मुझे अटैक ही नहीं कर रहा था। और अपने नेदरराइट सॉल्ट से उसका हेल्थ खत्म करने के बाद वो आसमान में उड़ गया और ये हरा हरा पता नहीं मेरे ऊपर क्या छोड़ रहा था, शायद मेरा हेल्थ चूस रहा था। ये बार बार पता नहीं कहां तो टेलीपोर्ट हो जा रहा था क्योंकि मैं ड्रैगन
मिशन था, तो अपने उड़ने के एबिलिटी का यूज करके मैंने फाइनली इसे मार गिराया। और उसके मर जाने का तो उसने मुझे एक अजीब सा ही प्राइमाई नाम का सामान दिया जो कि शायद आगे काम आएगा मेरा। फिर मैं एक ब्लेज में बदल गया और ब्लेज के एबिलिटी और अपने इन्फिनिटी बो का यूज करके एक एक करके सारे के सारे टावर को फोड़ दिया और एंडर ड्रैगन को मारने लगा। जब एंडर ड्रैगन का हेल्थ आधा हो गया मैं वार्डन में बदल गया, क्योंकि वार्डन के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ था। तो जैसे ही एंडर ड्रैगन नीचे आया मैंने उसे कूट कूट के मारा, और जब एंडर ड्रैगन उड़ गया मैं वापस से एक ड्रैगन में बदल गया और उसे अपने इन्फिनिटी बो से मारा। और फाइनली जब एंडर ड्रैगन नीचे आया मैं वापस से एक वार्डन में बदला और एंडर ड्रैगन को खत्म करने ही वाला था, लेकिन लास्ट में वो खत्म होने के पहले मेरे को जोर का फटका मारा, मैं बहुत दूर जाकर के गिरा। अगर मैं कोई और मॉब होता ना पक्का से मरता मैं, ये तो वार्डन ही है जिसके पास 26 हार्ट्स थे कि मैं बच गया। आखिरकार मैं एंडर ड्रैगन के सामने गया, उसे आखिरी हिट मारा और ये कि ये आवाज कैसा, ये भी पूरा दुनिया हिल क्यों रहा है। फटाफट मैं ड्रैगन में बदल गया और वहां से भागने का कोशिश किया, लेकिन एंडर ड्रैगन और दाई को मारने के वजह से ओवरवर्ल्ड में जो एंशिएंट मॉन्स्टर सील थे वो जाग गए हैं। लेकिन आप कौन है? अगर ऐसा ही अजीबोगरीब वीडियोस और देखना है तो ऊपर दिए गए वीडियो को दबाए। टिंग टिंग।